हिमांशु गोयल कैथल हरियाणा से। महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन काम धंधा में नहीं लगता है, मुझको गुस्सा बहुत आता है। फैशन डिज़ाइनर कोर्स किया है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, मैं इसी पर निर्भर हूँ, आगे कुछ करूँ? मेरी उम्र 25 वर्ष है। देखिए आप टैलेंटेड व्यक्ति हैं तो आप ठीक हैं, परंतु जीवन में हमें जो भी हम करें उसको सफल बनाना चाहिए। यदि आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो अपने आप को सफल बनाइए उसी क्षेत्र में। यदि आपको लगता है कि इस क्षेत्र में हमारा कोई विकास नहीं हो सकता, कोई आगे ग्रोथ नहीं हो सकती, तो आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं, पर इस निर्णय को बहुत विचार से कीजिएगा। यदि आपको फैशन डिज़ाइनर में आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, काम नहीं चल रहा है उसमें, तो फिर आप उसको पहले और ट्राई कीजिए और अच्छा करिए, बेहतर करिए। यदि बेहतर कर पाएंगे तो हो सकता है चल पड़े काम, पर नहीं चलता तो समय अभी 25 साल के हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। आप जल्दी से अपने आप को सफल बनाने के लिए काम करें। पर यह टेंशन वेंशन ना इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति असफल व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, सफलता आ जाए ना तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को, इसीलिए मैं कहता हूँ कथा के माध्यम से, हर व्यक्ति को सफल होना चाहिए। इतना पैसा कमा लो कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर लो, ताकि आपको ज़रूरतों के पीछे भागना ना पड़े। आजकल ना हमारे भारत में लोगों की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। बढ़िया से इच्छा है कि किराए के घर पर रहते हैं, एक खुद का घर हो जाए, 4 साल से परेशान हैं, घर ही नहीं बन रहा है। मतलब हमारी जो ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, वो ज़रूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है। और इस लॉकडाउन में ना तो बहुत लोग परेशान हो गए हैं, इस लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन में जिनकी रोटी चलती थी, नौकरियां चली गई तो परेशान हो गए। पर मैं फिर से प्रार्थना करूंगा भगवान से और आप सभी से हौसला आपको दूंगा कि कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलताएं आती रहती हैं, विफलताएं और सफलताएं दिन और रात की तरह हैं। यदि हम असफल हुए हैं तो वो असफलता ही हमारी सीढ़ी है, छत में चढ़ना हो ना तो सीढ़ियों में पांव रखना पड़ता है, असफलता ही हमारी सीढ़ी होती है। उस असफलता में पांव रखो और फिर सफलता के लिए दूसरा कदम बढ़ा लो। यदि फिर असफल हो गए तो फिर उसमें पांव जमाओ, कहाँ गलती रह गई, क्या कमी रह गई, उसे मैनेज करना है, पूरा करना है और अपने आप को एक दिन कामयाब बना के रहना है। रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बढ़िया कमाओ। हर बंदे को सफल होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। हर आदमी के पास कम से कम 1-1 लाख रुपए का बैलेंस तो होना चाहिए। बैंक में पड़ा रहे 1 लाख रुपया, कब ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, इतना हर व्यक्ति के जीवन में इतना बचत होनी चाहिए कम से कम। ज़्यादा तो फिर भगवान करे 10 लाख बचे आपके, 50 लाख बचे, करोड़ बचे तो क्या बुराई है, पर कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के घर में, बैंक में, कहीं भी 1 लाख रुपए आपके घर में होने चाहिए, कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या हो जाए। तो ये व्यवस्थाएं भगवान करे सबके घर में बने, परंतु प्रार्थना हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे भारत में ना हम बड़ा परेशान कभी कभी इस बात पे हो जाते हैं, हमारे भारत के नौजवान लोग ना काम नहीं करते, ये रोते रहते हैं नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। अरे तुम नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो, रोज़गार के पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम खुद नौकरियां पैदा करो ना, तुम खुद अपने आप को इतना पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, माँ बाप ने लाखों रुपये तुम पर खर्चा किया है, अरे इतना तो कम से कम कर लो कि तुम 4 लोगों को नौकरियाँ दे सको, तब तो तुम्हारे ऊपर जो माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किया है तब तो वो सफल है, नहीं तो फिर क्या अर्थ है, पढ़े लिखे होने का क्या अर्थ है। पढ़ लिख के पानी पूरी ही बेचना था, सब्जी ही बेचना था, तो फिर लाखों रुपए खर्च करना वो बेकार हो गया। इसीलिए पढ़े लिखे हो, दिमाग लगाओ, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बिजनेस डालना है, कैसे व्यापार करना है, लघु उद्योग डालिए, अच्छे से अच्छा सोचिए। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से आप सभी सफल बने।